हेलो एवरीवन, सो आज की गुड न्यूज़ PSL के बारे में PCB ने अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर के बाद वापस आ रही है 13 मई को। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाना है इंग्लैंड के टूर के लिए 26 जून को, यानी 13 मई से लेकर 26 जून तक ये स्लॉट बीच में अवेलेबल है। तो PCB ने अनाउंस किया है कि जो PSL के रिमेनिंग 20 मैचेज़ हैं वो फिर जून में खेले जाएंगे, यानी अब हमें जून में बाकी PSL देखने को मिलेगा। अब उसमें यह भी डिसाइड किया गया है कि कोरोना की वजह से जो वेन्यू है वो सिर्फ कराची रखा जाएगा। एज़ पर ओरिजिनल प्लान बाकी के मैचेस जो है वो लाहौर में होने थे, लेकिन अब सिर्फ कराची में मैचेस होंगे PSL के। क्राउड उसमें अलाउड होगा या नहीं होगा इस बारे में अभी तक कुछ भी वाज़ह नहीं किया गया। आज PCB ने PSL के स्टेक होल्डर्स ने एक मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग, उसमें ये डिसाइड किया गया। PCB ने स्ट्रिक्टली बोला है कि अब जो बायो सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो इख्तियारात हैं वो किसी आउटसोर्स किए जाएंगे, किसी कंपनी को दिए जाएंगे। PCB डायरेक्टली उनको खुद नहीं देखेगा ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जाए। वैसे जून की गर्मी में PSL करवाना और मैचेस खेलना इट्स सेल्फ एक चैलेंज है, और कराची में तो वैसे भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है गर्मियों में। हमारे प्लेयर्स तो फिर भी इन कंडीशंस के यूज्ड होंगे, लेकिन फॉरेनर्स के लिए शायद इतना इजी नहीं होगा। बहरहाल जब बात आती है पैशन की और तब सब कुछ हो जाता है। सो है लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें अच्छा PSL देखने को मिले और जो बेस्ट डिजर्विंग टीम है वो जीत जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन बताएं कि आपको ये PCB का फैसला कैसा लगा, कि जून में होगा सारा PSL का बाकी मैचेस और दूसरा कि लाहौर की बजाय सारे मैचेस कराची में होंगे। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी इस बार PSL का टाइटल, या दिफाई चैम्पियन कराची किंग्स इस टाइटल को रिटेन रखेंगे? वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताएं। PSL के बारे में कुछ और आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आखिर पे एक्साइटमेंट है सबको कि ग्रूव मेरा दोबारा से प्ले होगा जून में।